अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। पहाड़ा उदय सिंह जी और उनका समस्त परिवार पहाड़ों में चला गया। उन्होंने उदयपुर में अधूरे पड़े अपने महलों का काम पूरा करवाया। महाराणा प्रताप सिंह के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी बटियानी से अधिक प्रेम करते थे। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए मृत्यु के समय उदय सिंह ने उन्हीं के पुत्र को राजगद्दी दी। उसका नाम जगमाल था। उदय सिंह का यह कार्य नीति के खिलाफ हुआ क्योंकि राजगद्दी के हकदार कुंवर प्रताप सिंह थे। उदय सिंह के इस कार्य की प्रजाजनों में बड़ी आलोचना हो चली और भीतर ही ये लोग इस अनीति की निंदा करने लगे। वास्तव में प्रेम के वशीभूत होकर दायित्वपूर्ण उत्तराधिकार क्रम पर महाराणा उदय सिंह का इस तरह स्वेच्छाचार करना राजपद्धति के बिल्कुल विपरीत हुआ था। धार्मिक विचारों से तो राज्य के उत्तराधिकारी प्रताप सिंह ही ठहरते थे, इसके अलावा प्रजाजनों का प्रेम भी उन पर गहरा था। कुंवर प्रताप सिंह का दिल लुभा लेने वाला अकृत्रिम बर्ताव, प्रजाजनों को समदृष्टि से देखना, अपने को अपनी प्यारी प्रजा का सेवक समझना, देश और धर्म के नाम पर अपने सर्वस्व का त्याग, इस तरह के और भी अनेक सद्गुण उनमें थे। जगमल के राजगद्दी पाने पर सभी लोगों को क्लेश हुआ, परंतु पितृभक्त प्रताप के चेहरे पर सिकन तक न पड़ी। वे पूर्ववत ही प्रसन्न रहते और जैसे स्नेह की दृष्टि से जगमाल को पहले देखते थे, वैसे ही अब भी देखते। महाराणा उदय सिंह का कार्य जिन राजपूत सरदारों को खटकता था, उनमें झालावाड़ के महाजन और चंदावत कृष्ण जी प्रमुख थे। उन्होंने कृष्ण जी के साथ अन्य और सरदारों को एकत्र कर सलाह की और फिर राज्य की प्रजा का रूप देखा। कुंवर प्रताप सिंह जी को उनका उचित अधिकार देने के लिए सब लोग उतावले हो गए और सबने महाराणा उदय सिंह की दुर्बलता की निंदा की। राज्य के सामंत सदस्यों और प्रजा की राय के अनुसार प्रताप सिंह को गद्दी नसीन करने की तैयारियां भीतर ही होने लगी। इधर जिस मुहूर्त से राज्य का शासन भार जगमल के हाथ में आया, उसी मुहूर्त से उसे राजमत का भयंकर नशा हो गया। वह सीधे पैर ही न रखता था। स्वभाव का उद्दंड, राजनीति से अनजान, लोगों के स्वभाव से अपरिचित, लड़ाई के नाम से घबराने वाला महामूर्ख जगमल सभासदों को संतुष्ट न कर सकता था। उसके रुखे और अमानुषिक बर्ताव से सब लोग तंग आ गए। उसने अभी शासन की बागडोर अपने हाथ में पाते ही अनियंत्रण का घोड़ा तेजी से बढ़ाया। फल यह हुआ कि अपने सवार को लेकर घोड़ा कुराहे चलने लगा, कांटों और झाड़ियों में अड़ने लगा। जगमल की स्वतंत्रता ने घोर अत्याचार का रूप धारण कर लिया। उससे सभासद राजपूत सरदारों के दिलों में सख्त चोट लगी। कुछ एक ने तो घबरा कर राज्य में ही रहना छोड़ दिया। राज्य में इस तरह के उपद्रव देखकर कुंवर प्रताप से रहा न गया। एक दिन वे जगमल के पास आए और बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में समझाते हुए कहा, जगमल, ईश्वर की इच्छा से आज तुम विशाल जनसमूह के शासक हो, लाखों मनुष्यों के भाग्य विधाता हो, परंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, अधिकार के माने यह नहीं है कि स्वेच्छाचार किया जाए। निरपराध मनुष्यों से तुम अपनी शक्ति की थाह लो। देखो तो सही, तुम्हारे अनेक सभासद राज्य छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या अत्याचार करके तुम अपनी प्रजा को संतुष्ट करोगे? तुम्हें अपना स्वभाव बदलना चाहिए। समय बड़ा नाजुक है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य फल बड़ा विस्मय होगा। कुंवर प्रताप की संवेदना सूचक उक्तियों से मदान जगमल होश में न आया, बल्कि उसने इसे अपनी राजसी शान के खिलाफ अपमान समझा। कड़क कर उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, यह ठीक है, परंतु तुम्हें स्मरण रहे, तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। तुम मेरी आज्ञा के अनुचर हो। मैं नादान नहीं हूँ और किसी बनिए के घर से उठाकर लाया हुआ महाराणा उदय सिंह का गोद लिया लड़का नहीं हूँ। राजा महाराजाओं के यहाँ का बर्ताव, उनके कार्य मुझे न सिखलाओ। पिताजी ने कुछ समझ कर ही मुझे राजगद्दी दी है। तुम महाराणा की शान के खिलाफ पेश आए हो, तुम्हें मैं इसका यथोचित दंड दूंगा। तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जाने का प्रबंध करो। चित्तौड़ सिंहासन के प्रति सम्मान के ज्ञान ने प्रताप की आंखों को बरबस झुका दिया। वे चुपचाप वहां से चल दिए। उस समय इधर उधर से कुछ नौकर प्रताप और जगमल की बातों को कान लगाए सुने जा रहे थे। जगमल की कठोर दंडाज्ञा को सुनकर सब चौंक उठे। यह सबको बुरा लगा था। वे आपस में जगमल की निष्ठा की आलोचना करने लगे। धीरे धीरे फैलती हुई बात राजपूत सरदारों के कानों तक पहुंची।
उधर कुंवर प्रताप ने किसी दूसरे से कुछ भी न कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, परंतु उनकी मुखाकृति उत्तरोत्तर गंभीर होती गई, जैसे प्रभात के सूर्य रश्मि पर मेघों की छाया पड़ी हो। प्रताप अपने अश्वागार में गए और घोड़े को कसने की आज्ञा दी। इधर सरदारों को जगमल की निष्ठुर आज्ञा का हाल मालूम होते ही सबके सब कुंवर प्रताप को खोजने लगे। कुंवर प्रताप सिंह नगर को पार कर कुछ दूर चले गए थे। उस एकांत स्थान में चंदावत कृष्ण जी ने प्रताप को पीछे से पुकारा। कुंवर प्रताप ने भी घोड़े को रोक लिया। बहुत समझाने के बाद चंदावत कृष्ण जी के साथ वे लौटे। प्राय सभी सरदार जगमल से नाराज थे। प्रताप के लौटने पर चंदावत कृष्ण जी ने जगमल की निष्ठा का प्रमाण पेश करते हुए उसे राज्य संचालन के लिए अयोग्य ठहरा गद्दी से उतार उस पवित्र सिंहासन पर सिंसोदिया कुलसूर्य पवन चरित्र महाराणा प्रताप सिंह को बैठाया और उनके अधीनता में रहकर राज्य का संचालन और अपनी नीति धर्म और देश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। सब सरदारों ने एक स्वर में महाराणा प्रताप सिंह की जय घोषणा की। महाराणा प्रताप सिंह के शासन भार ग्रहण करने का संवाद पाकर राज्य की समस्त प्रजा को हर्ष हुआ। सब लोग अपने नवीन महाराणा को अनेक प्रकार की भेंट देते हुए अपने हृदय की निश्चल सेवा की सूचना देने लगे। महाराणा प्रताप के राज सिंहासन पर बैठते ही मानव राज्य के शरीर में एक नवीन जीवन का संचार हो गया। चारों ओर सजीव स्फूर्ति का कलरव होने लगा। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सीरीज का यह 5वां भाग आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।